भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में आज मुरादाबाद की सड़कों पर करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता उतर आए और उदयपुर हत्याकांड के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। करणी सेना के कार्यकर्ता अपने हाथों में नुपुर शर्मा के फोटो लगे समर्थन में नारे लिखे हुए थे। ये कार्यकर्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुरादाबाद के नारे भी बुलंद करते हुए चल रहे थे। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उदयपुर हत्याकांड के दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे थे। करणी सेना के कार्यकर्ता हाथों में भगवा झंडे थामे काफी देर तक नारेबाजी करते रहे और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए डीएम कार्यालय के बाहर ही बैठ गए। इन लोगों ने देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं ने उन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं जो कन्हैया जैसे आम व्यक्ति को जिहादी मानसिकता के चलते निशाना बना रहे हैं। मैं चश्मा हटा लेता हूं। मेरा नाम ठाकुर अखिलेश सिंह कटहरिया है, जिला अध्यक्ष करणी सेना मुरादाबाद का। प्रदर्शन था जो उदयपुर में घटना हुई है, कन्हैया लाल की हत्या हुई जिस तरीके से, उसी को लेकर ये प्रदर्शन था। क्योंकि हमें लगता है कि हिंदू लोग हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, कारोबार में सुरक्षित नहीं है। ये लोग हमारे कारोबार तक आ चुके हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे क्या, दुकानें नहीं चलाएंगे क्या? जिस तरीके से नापा दे रहे हैं धोखे से, अगर इतना ही दम है तो सामने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन इस तरह धोखे से जो कर रहे हैं ये लोग, ये गलत है। अरे हम तो कभी डरने वाले नहीं है, हिंदू कभी डरा है क्या? महाराणा प्रताप 1,00,000 सेना लेकर 8,000 सेना लेकर के आते थे, अकबर 80,000 सेना लेकर के आता था, तब नहीं डरे। अब तो हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग इस तरह से जो धोखे से कर रहे हैं, जो एक जो खौफ जो पैदा करना चाह रहे हैं, बस ये क्या करना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं? तो आपने क्या अच्छे से बार बयान दिया क्या? हमने ज्ञापन दिया और राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के द्वारा, और कहा है कि जो हमारे जो कन्हैया लाल का परिवार है उसके लिए एक सरकारी नौकरी चाहिए और उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा चाहिए, उन लोगों को फांसी पर लटकाया जाए, सीधा यही मांग है। और अन्य लोगों की सुरक्षा नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं, किया है और करते रहेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। एक बलि चढ़ गई और चढ़ जाए, लेकिन हम समर्थन करना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि जब नुपुर शर्मा ने कोर्ट में पूरा प्रूफ दे दिया है, जो किताब से उन्होंने बोला था वही किताब कोर्ट को दे दिया, फिर क्या प्रॉब्लम है? अब किताब जिसने किताब छापी है, जिसने कहा है कि हाँ ऐसा हुआ है, अब उसे उसकी बलि चढ़ाइए ना। भाई साहब आज जो विरोध है किन मांगों को लेकर विरोध है आप? भाई साहब उदयपुर में राजस्थान में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई है और जिस प्रकार से आतंकी वारदात की तरह उसे अंजाम दिया गया है, हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। और भारत है ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, अगर हिंदू यहाँ पर सुरक्षित रहेगा तो फिर क्या अरब अमीरात या दुबई जैसे देशों में सुरक्षित रहेगा? हमारी